नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड बायोस्कोप में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1971 की भारत पाक लड़ाई में 300 महिलाओं ने 72 घंटे में भारतीय सेना के लिए सड़क बना दी। जी हां दोस्तों, ये काम जितना सुनने में आसान लगता है, दरअसल ये उतना है नहीं, क्योंकि एक एवरेज एयर स्ट्रिप या हवाई पट्टी की लंबाई तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी अंत तक देखना, इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे 300 आम महिलाओं ने मात्र 72 घंटों में इंडियन आर्मी के लिए ये काम कर दिखाया और उनको दौरान क्या समस्याएं आई और उन्होंने कैसे इससे झेला। दरअसल ये बात है सन 1971 की, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। 8 दिसंबर को गुजरात के कच्छ जिले के एक गाँव के पास पाकिस्तान जबरदस्त गोलीबारी कर रहा था। यहाँ लगातार 16 बम गिराए जा चुके थे। इस बमबारी का शिकार इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइप हुई। एयर स्ट्राइप वो पट्टी या सड़क होती है जहाँ से प्लेन उड़ान भरते हैं या टेक ऑफ लैंडिंग करते हैं। ये पट्टी गोलाबारी से पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जंग के बीचों बीच इंडियन एयरफोर्स के विमान का उड़ान ना भरना बहुत बड़ी चूक हो सकती थी। तब इंडियन एयरफोर्स ने BSF से मदद की बात कही, लेकिन इस एयर स्ट्राइप को ठीक करने के लिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। मुसीबत के इस समय में आगे आए भुज नाम के गांव के 300 लोग, जो अपनी जान पर खेलकर यह एयर स्ट्राइप बनाने को तैयार हो गए। इसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। देश के लिए सेवा के इस मौके को भुज के माधापुर गांव की महिलाओं ने जाने नहीं दिया और सभी ने केवल 72 घंटों के भीतर एयर स्ट्राइप बना डाली। इस जटिल टास्क टीम की सदस्य रही वल्लभाई सेघानी ने अहमदाबाद मिरर से बात करते हुए कहा कि 9 दिसंबर 1971 की रात को मुझे लगा कि मैं एक फ़ौजी हूँ। वो बताती हैं कि जिस वक्त उन्हें बताया गया कि उन्हें जहां रोड बनानी है वहां लगातार बमबारी हो रही है, तो एक भी महिला पीछे नहीं हटी, उल्टे वो दुगने उत्साह से काम करने लगे। उन्होंने कहा, हम 300 महिलाएं थी, हम सभी अपने घर से इस इरादे से निकली थी कि किसी भी कीमत पर अपने पायलट्स के लिए रोड बनानी है ताकि वो उड़ान भर सके। अगर हम मरते भी हैं तो देश के लिए लड़ते लड़ते मरेंगे। गांव वाले के अलावा यहां के सरपंच जादव जी भाई हिरानी और यहां के DM ने भी महिलाओं को प्रोत्साहित किया। साथ ही वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक ने भी इन महिलाओं का हौसला बढ़ाया। 1971 की लड़ाई में कर्णिक भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे। एक इंटरव्यू में बात करते हुए विजय कर्णिक ने कहा, हम जंग लड़ रहे थे और इस जंग में इन महिलाओं को कुछ होता तो यह बहुत बड़ा नुकसान होता। साथ ही हमें यह भी दिखाना था कि जहाज़ों की उड़ान के लिए सड़क जल्द से जल्द तैयार हो जाए, इसलिए मैंने 50 इंडियन एयरफोर्स के अफसर और बाकी DSC के 60 जवानों की मदद से ये काम अपने जिम्मे लिया और हम कामयाब हुए। ये रोड बनाना आसान नहीं था। सभी महिलाएँ अफसरों के निर्देश पर काम कर रही थी। जैसे ही सेना को पाकिस्तान के विमान आने का आदेश होता, महिलाओं को सिग्नल किया जाता और वो झाड़ियों में घुस जाती। फिर सेना की तरफ से एक सायरन बजाया जाता, जिसका मतलब था कि काम शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान तक एयर स्ट्रिप बनाने की खबर न पहुंचे, इसलिए लोगों को सड़क बनाते हुए इसे गोबर से ढकने को भी कहा गया। यहाँ काम करने वाले कई लोग पहले दिन भूखे ही सोए, क्योंकि उन्हें बंकर में रहना था। अगले दिन किस्मत से उन्हें फल मिल गए और उनका काम चल गया। चौथे दिन शाम 4 बजे एयर स्ट्राइप उड़ान के लिए तैयार थी। यह पल इन सभी के लिए किसी जीत से कम नहीं था, खासकर जिस तरह की सिचुएशन में ये काम कर रहे थे। जंग के 3 साल बाद इन महिलाओं को इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया गया, तो सभी ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्होंने देश के लिए किया है। कुछ समय बाद इन महिलाओं के नाम पर इन्हीं के गांव माधवपुर में वीरांगना स्मारक बनाया गया। इन महिलाओं ने जो काम किया था वो सही में एक वीरांगना ही कर सकती थी। भुज की महिलाओं की इस कहानी को अजय देवगन एक फिल्म के रूप में भी लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से इस फिल्म का पोस्टर 2019 में रिलीज किया गया था। अब ये फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार है। फिल्म में संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और शरद केलकर भी हैं।
अभिषेक दुधिया द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म को जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप में प्रीमियर किया जाएगा, जिसमें अजय देवगन आपको विजय कर्णिक के रूप में देखने को नजर आएंगे। तो दोस्तों, ऐसी महिलाओं के जज्बे को हम सलाम करते हैं जिन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए हमारे जवानों के लिए रातों रात एक सड़क बना डाली, जिस कारण हमारे जवान पाकिस्तान को हरा सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल का आइकन तो ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी डिफेंस रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट भर्ती आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।